नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कैराना की तस्वीर सभी को याद होगी ही, जब वहां हर दीवार पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर नजर आ रहे थे और अब ये तस्वीर झारखंड से सामने आ रही है। और ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड के गिरिडीह के पंजवा के हटिया रोड पर 12 जून की देर शाम दो समुदायों के बीच पथराव हो गया था। इस घटना के बाद अभी भी तनाव बना हुआ है, मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं और अब इलाका छोड़ने की बात कह रहे हैं। ये मामला इतना बढ़ गया कि हिंदू समाज के लोगों ने मकान और दुकान बेचने के लिए पोस्टर लगा दिए, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर दूसरे दिन सोमवार को हजारीबाग रिमांड होम और गिरिडीह जेल भेज दिया था। पुलिस की कार्रवाई को एक समुदाय के लोग एक पक्षीय बता रहे हैं और काफी गुस्से में हैं। इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने अपने घरों के आगे मकान की बिक्री का पोस्टर चस्पा कर दिया है। उनका कहना है कि ये इलाका चारों तरफ से मुस्लिम बहुल है और इसके बीच में कुछ हिंदुओं के घर है। हिंदुओं का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की वजह से वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि उनके साथ हमेशा ज्यादती की जाती है और उनकी बहू बेटियों का घर से निकलना दूभर हो जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी हमारी नहीं सुनती है और यही वजह है कि हिंदू समुदाय की कम से कम 150 दुकानों और घरों के बाहर बिक्री घर के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। हिंदू समाज के लोग अब सब कुछ बेचकर वहां से पलायन करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले के संज्ञान में आते ही भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार, शाहबादी अधिवक्ता संघ के सचिव, भाजपा नेता चुन्नूकांत, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई लोग धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि पिछले 6 महीने से लोगों को परेशान किया जा रहा है, राह गुजरती बच्चियों पर टिप्पणी की जाती है, दुकानों और घरों पर पथराव किया जाता है। रविवार को भी पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। इस FIR में उन लोगों के भी आरोपी को बताया गया है जो अपने घर और दुकान पर थे और पथराव से बचने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस से जब बात की गई तो पुलिस ने कह दिया कि CCTV फुटेज के आधार पर FIR दर्ज की गई है। DSP संजय राणा ने कहा कि पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया है, दोनों पक्ष से गिरफ्तारियां हुई हैं, इस मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है। शांति व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार कैराना की तरह देश के अन्य कोने से तस्वीरें आना कब बंद होगा, आखिर कब प्रशासन अपनी नींद से जागेगा और मामले पर उचित कार्रवाई होगी। फिलहाल आप लोग इस मामले को लेकर क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।